नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगरा के जनकपुरी महोत्सव में। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में जो भी वीडियो डाले, आप सब ने उन सभी वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, तो तहे दिल से थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया मेरे वीडियो को। आज मैं माता सीता की विदाई का वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट होता है ना, जो हार्ट टचिंग होता है, और हर लड़की और हर पेरेंट्स के लिए ये विदाई वाला क्षण जो होता है ना, बहुत भावुक क्षण होता है। वैसे ही सीता माता की विदाई है। आज मैं इस विदाई को आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक तरफ खुशी होती है कि एक तरफ बहू आती है तो एक तरफ बेटी घर से जाती है, तो ये जो क्षण है बहुत स्पेशल होता है। तो मैंने बोला चलो सीता माता की विदाई आपको मैं दिखाती हूँ, और इसमें सीता माता की भी दर्शन कराऊंगी, राम जी लक्ष्मण जी की भी दर्शन कराऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सीता माता के दर्शन जरूर मिलेंगे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आगे भी लाऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो। तो चलिए आगे एंजॉय करते हैं सीता माता की विदाई का। देखिए कितना भीड़ था और काफ़ी बैंड बाजे थे, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था, पूरा आगरा उठकर आ गया है सीता माता की विदाई में। और बहुत अच्छा लग रहा था। राम जी हैं, देखिए पीछे वो दिख रहा है। उधर भीड़ इतनी थी ना कि कैप्चर करने में भी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी क्राउड था और मज़ा आ रहा था। म्यूज़िक तो म्यूट कर रही हूँ, जो बैंड बाजे की जो म्यूज़िक थी ना, वो म्यूज़िक के साथ अगर मैं वीडियो डालती ना बहुत अच्छा ही फील आता, बट कॉपीराइट इशू है जिसके कारण मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में लाउड स्पीकर में भी सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, जिसके कारण मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर सक रही हूँ। बट हाँ, मैं आपको वॉइस ओवर के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे कैसे मोमेंट वहाँ पे था, उस समय कैसा लग रहा था, वो सारी चीज़ें आपको मैं फील ज़रूर करवाऊँगी अपने वॉइस ओवर के थ्रू। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी राम जी और सीता जी को देखने के लिए, और विदाई वाला मोमेंट तो वैसे ही स्पेशल होता है। तो बस आप सब भी बिल्कुल इंजॉय करेंगे ये वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए मैंने ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट कैप्चर किया है, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करना आप। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये जो राम बारात का अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते, तो आज मैं छोटे से रूप में बताना चाहती हूँ कि जो सेठ ताराचंद की हवेली से ये राम बारात की प्रथा जो है शुरू हुई थी 1964 में। ये जो है राम बारात का जो चलन था वो स्टार्ट हुआ था पुराने शहर में ही जनकपुरी सजाई जाती थी। मिथिला के राजा जनक और माता सुनैना के रूप में कमेटी के सदस्य राम बारात का स्वागत करते थे, माता सीता का कन्यादान लेते थे। सेठ ताराचंद की हवेली में पहली बार जनकपुरी सजाई गई थी। इसके बाद पुराने शहर के बाहर तलोहा मंडी में जनकपुरी सजी थी। धीरे धीरे जनकपुरी भव्यता लेती गई और शहर के अलग अलग हिस्से में जनकपुरी सजने लगी। इसके साथ ही जनक महल को भी आगे अलग अलग थीम पर सजाया जाने लगा, और इस तरीके से जनकपुरी महोत्सव बहुत ही ज़ोर शोर से मनाने लगे लोग। तो इस तरीके से आगरा में जनकपुरी का प्रचलन धीरे धीरे होता गया, और जनकपुरी 1984 से लेकर अब तक, मतलब कोरोना काल में छोड़कर 2019 तक कंटिन्यू लगता आया है। और ये 2020 और 2021 जो ऐसा वर्ष था जिसमें कि ये जनकपुरी नहीं लगी थी। तो इस तरीके से देखिए जनकपुरी का जो है ना महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जनकपुरी के इतिहास के बारे में जानकारी। तो चलिए वापस हम आते हैं अपने जनकपुरी महोत्सव में जो कि चल रहा है, और देखिए कितने बैंड बाजे के साथ सीता माता आ रही हैं। बस थोड़ा सा और इंतज़ार और सीता माता के दर्शन होने वाले हैं। रियली सीता माता को देखकर है ना दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। झांकी ये जो इस तरीके का बारात और पूरे बैंड बाजे, बहुत अच्छा मोमेंट लग रहा था रियली। और उम्मीद करती हूँ आप भी घर बैठे बैठे राम जी लक्ष्मण जी सीता माता के दर्शन कर लिए, आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरीके से सीता माता की विदाई हुई और ये सारा मोमेंट कैप्चर किया मैंने, और कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से हमें ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए ही इतना मेहनत करते हैं हम।
तो बस आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें हमें, ताकि हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए बस थोड़ा सा और इंतज़ार, सीता माता आ चुकी है और मैं सामने से आपके दर्शन करवाऊंगी आप सभी के। तो आप चलिए रेडी हो जाए दर्शन करने के लिए।